साहब, 12 नवंबर मामले में आज आपको भी एक बड़ी कामयाबी हासिल हो गई है। कुछ मुंबई से कोई नौजवान आया था, वो भी इस हादसे का शिकार हुआ था, तो किस तरह से आर्गुमेंट हुआ, कितनी आपने अपनी पावर इस्तेमाल की? देखिए, मोइन अनीस मलिक, इसको 12 नवंबर के मैटर में दो क्राइम में अरेस्ट किया गया, एक सीआर नंबर 75/2021 और सीआर नंबर 74/2021। पहले 75 में 2021 में उनको अरेस्ट किया गया और उसमें पीसीआर लेके जब उनका एमसीआर हो गया तो उसको सीआर नंबर 74/2021 में उसको ट्रांसफ़र करा गया। 75/2021 में पुलिस ने पूरी तहकीकात करने के बाद इसके मोइन अनीस मलिक के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं, कोई ठोस पुरावा नहीं कलेक्ट हो पाया, इसलिए पुलिस ने मोइन अनीस के बारे में 169 सीआरपीसी के खिलाफ रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। लेकिन पुलिस ने चार्जशीट मोइन अनीस के खिलाफ में सीआर नंबर 74/2021 की चार्जशीट दाखिल की गई थी। मोइन अनीस का हमने 74/2021 में चार्जशीट के पहले भी बेल एप्लीकेशन दाखिल किया था, लेकिन कोर्ट ने उस टाइम मोइन अनीस का बेल 74/2021 में रिजेक्ट कर दिया था कि अभी तपास चालू है, तहकीकात चालू है। उसके बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट के बाद फिर हमने इसका सेशन कोर्ट में फिर से मोइन अनीस का बेल सेशन कोर्ट में दाखिल किया और जब 16 तारीख को जब बहस हुई उस टाइम हमने कोर्ट को बताया कि मोइन अनीस मलिक के खिलाफ में कोई भी ऐसा प्रायमा फेसी कोई भी एविडेंस पुलिस ने कलेक्ट किया नहीं है। इसका एफआईआर में भी मोइन अनीस का नाम कहीं भी नहीं है। जो पुलिस लोगों ने जो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट लिए गवाहीदार लोगों के 161 सीआरपीसी के तहत, उसमें भी मोइन अनीस का कहीं भी नाम नहीं, कहीं जिक्र भी नहीं और उसका कोई भी रोल पुलिस ने एट्रीब्यूट किया नहीं है। हमने कोर्ट को यह भी बताया बहस के टाइम कि मोइन अनीस ये बम्बई में रहता है और उसके पेरेंट्स मालेगांव में रहते, छुट्टी में वो उसके पेरेंट्स को मिलने के लिए आया था और जिस दिन ये वाक़या हुआ उसी दिन वो उसने सना ट्रैवल्स के ऑफिस से टिकट बुक करने के लिए आया था और टिकट बुक करके वो मिलन होटल पे बैठ के चाय पी रहा था और वहाँ से चाय पीकर वो उसके घर माँ बाप के जो घर है मालेगांव वहाँ जा रहा था। पुलिस ने शक के बुनियाद पर उसको 7/45 को अरेस्ट कर दिया है। इसके खिलाफ सीसीटीवी फुटेज में भी इसका कहीं रोल दिख रहा नहीं है। वो रैली में भी नहीं था और वह रजा अकेडमी का मेम्बर भी नहीं है। इसके खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं है, इसलिए इसका बेल होना चाहिए। कोर्ट ने मेरी बहस जो मैंने जो बहस की थी वो बहस को इमरान बर्फी वाले साहब की आज आपने मतलब बेल थी उनकी जो इमरान बर्फी वाले की बेल को लेकर आपने आर्गुमेंट किया था, तो किस तरह का उसका रिजल्ट आया है, किस तरह से आपने कामकाज किया था? इमरान बर्फी वाले को जो उसने सिटी पुलिस स्टेशन ने जोर से अरेस्ट किया था सीआर नंबर 75 में और सीआर नंबर 74 में, जिसके अंदर पुलिस ने सीआर नंबर 75 में उसको सीआरपीसी 169 के तहत बाइज्जत बरी कर दिया है, लेकिन सीआर नंबर 74 में उसके खिलाफ में चार्जशीट पुलिस ने यहाँ पर दाखिल की थी। सीआर नंबर 74 के अंदर मैंने बेल एप्लीकेशन लगाने के बाद यहाँ पर चार्जशीट में देखा गया कि किसी भी किस्म का एविडेंस उसके खिलाफ में कुछ नहीं था। मेमोरेंडम जो दूसरे आरोपी ने दिए हैं उसमें इसका नाम नहीं था, किसी भी किस्म की उसके खिलाफ में कोई रिकवरी नहीं थी, एफआईआर में उसका नाम नहीं था। बाकी दूसरे जो विटनेस है वो विटनेस के सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में हादसा होने के लगभग एक महीने के बाद उसका जो है तो नाम यहाँ पर पुलिस ने डलवाया था। ये सब ग्राउंड को कोर्ट के सामने रखने के बाद कोर्ट ने पुलिस का जवाब ली। पुलिस का जवाब लेने के बाद में कोर्ट को ऐसे लगा कि भाई इसके अंदर कोई भी ठोस एविडेंस ऐसा इसका नहीं है, इसीलिए कोर्ट ने उसको जमानत के ऊपर रिहा करी आज। सर, और भी जो लोग हैं उनका भी काम आपके पास है, तो उनका क्या स्टेटस है अभी? जी देखिए, मेरी तरफ जो है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से माजी आमदार शेख आसिफ साहब, इनके कार्यालय के अंदर, संपर्क कार्यालय के अंदर मीटिंग लेने के बाद हम लोगों ने जो भी तय किया था उस तरीके से वहाँ पर जो भी लोग हमारे तरफ आरोपी में से आए हुए हैं उन सभी लोगों का लगभग बेल एप्लीकेशन यहाँ पर दाखिल किया गया है। अब इसमें ऐसा है कि भाई इसमें आरोपी का रोल देखते हुए और उनका चार्जशीट के अंदर जो भी पुरावा आया है वो पुरावा देखते हुए सीआर नंबर 75 जो है
वो टोटल लोगों का कोर्ट ने जो है तो रखी हुई है 22 और 23 तारीख को। ये दिन उनकी दो दिन में सीआर नंबर 75 की ही सिर्फ हेयरिंग होगी और इसके ताल्लुक से ही कोर्ट अपना डिसीजन लेने वाली है। तो बाकी लोगों से भी जो है तो ये मुझे ये बताना है कि भाई सीआर नंबर 75 के अंदर जो लोग हैं वो लोग का 22 और 23 तारीख को हेयरिंग और ऑर्डर रखा गया है। दूसरा ऐसा कि सीआर नंबर 74/2021 ये भी सिटी पुलिस स्टेशन का सीआर है, इसमें भी जो भी लोग थे उनका भी बेल एप्लीकेशन यहाँ पर रखा हुआ है, वो भी हेयरिंग पर है, जिसकी तारीख कोर्ट ने अभी फिलहाल रखी हुई है 24/25। ये दो दिन जो है तो सीआर नंबर 74 की हेयरिंग। जूनियर जूनियर करो, ओ भैया बहुत बहुत मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो।